अपडेट आ रही है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को लेकर के, जिनका 96 वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ यूके की सबसे ज़्यादा दिन तक गद्दी पर बैठने वाली महारानी है। 1952 से लेकर 2022 तक यानी 70 साल वो गद्दी पर बैठी रही। वहीं एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने गद्दी को संभाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईफोन 14 को लेकर के, जो फाइनली लॉन्च हो गया है। और इसकी प्राइस की बात करें तो आईफोन 14 आईफोन 13 के प्राइस जितना ही है, यानी दोनों का प्राइस सेम है। वहीं स्टीव जॉब्स की बेटी आईफोन 14 पर एक मीम शेयर की है, क्योंकि आईफोन 13 और 14 में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रह्मास मूवी को लेकर के, जो आज फाइनली रिलीज हो गया है। इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सी के बाद क्या फिल्म कमाई कर पाएगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके बॉक्स ऑफिस कनेक्शन से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मैथिली ठाकुर को लेकर के, जिनके साथ फ्लाइट में मिसबिहेव किया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दे स्टार्टेड विद वर्स एक्सपीरियंस बाई ट्रेवलिंग विद 6E 2020 टूर टू पटना। जी एस ताजेंद्र सिंह बिहेव्ड वेरी रूड विच वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। टूडेज बिहेवियर हैज सर्टेनली केप्ट मी इन डाइलेमा, शुड आई ट्रेवलिंग अगेन विथ सेम एयरलाइंस। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है के आर के को लेकर के, जिन्हें मुंबई पुलिस ने पुराने ट्वीट को लेकर अरेस्ट किया था, और अब अपडेट आ रही है कि उन्हें छोड़ दिया गया है, जिसके बाद उनके बेटे उन्हीं के अकाउंट से ट्वीट किया है, जिसमें लिखा था कि मेरे पिता को मुंबई में प्रताड़ित किया जा रहा और उनकी जान को खतरा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं अभी 23 साल का हूँ और लंदन में हूँ। उसने रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही उसने पब्लिक से भी मदद मांगी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है विक्रम वेधा को लेकर के, जिसका फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ सैफ अली खान और राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में होगी। फिल्म को पुष्कर गायत्री डायरेक्ट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल विक्रम वेधा के भी डायरेक्टर थे। वहीं फिल्म का बजट 175 करोड़ है और इसे 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आप इस फिल्म को लेकर के कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है खेल जगत से नीरज चोपड़ा को लेकर के, जिन्होंने डायमंड लीग के फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। उन्होंने 84.4 मीटर का मॉन्स्टर थ्रो किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के दौरान फरीद अहमद और आसिफ अली आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद लोग आसिफ अली को बैन करने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका सिर्फ मैच फीस का 25% काटा गया। आपको क्या लगता है, आसिफ को बैन करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सीरीज से। कल हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 113 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम पहले गेंदबाजी चुनी। वहीं पहले बैटिंग करने आए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद ख़राब रही। फॉर्म से जूझ रहे फिंच 0 रन बनाकर आउट हो गए, तो वार्नर 5 रन बनाकर हेनरी का शिकार हुए। फिर एस्टिव स्मिथ ने एक पारी को संभाला और 61 रन बनाए। वहीं इनके आउट होने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ा गई। फिर अंत के ओवर में स्टार्क ने 38 रन बनाकर टीम का टोटल 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन तक ले गए। वहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो बोल्ट को 4, हेनरी को 3, सावधी को 1 और सेंटनर को 1 विकेट मिला। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत भी खराब रही और पूरी टीम 25 ओवर में 82 रन पर सिमट गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो स्टार्क ने 2, सेल एवोट ने 2, जंपा 5 और स्पिनर्स को 1 विकेट मिला। सीरीज का अगला मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के पहले दिन से, जहां आधा दिन बारिश के कारण बर्बाद हो गया था। फिर खबर है कि क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया, जिसके बाद उनके सम्मान में पहले दिन का खेल रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर के, जहाँ भारत ने अफगानिस्तान को 101 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत बेहद अच्छी रही और पहले विकेट के लिए 119 रन जोड़े और भारतीय टीम 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। वहीं स्कोर कार्ड की बात करें तो केएल राहुल ने 62, कोहली 122, इस पर आगे चर्चा करेंगे, और सूर्या 6 और पंत ने 20 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से सिर्फ फरीद को 2 विकेट मिला। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद ख़राब रही और पहले ही ओवर में 2 विकेट खो दिए और पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 118 रन बना सकी। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा इब्राहिम जदरा ने 64 रन बनाए।
वहीं भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो वीवी ने 4 ओवर में 4 रन देकर 5 विकेट लिए और वो अब T20 में भारत के लिए लीडिंग विकेट कीपर बन गए हैं। वहीं अक्षदीप ने 1, अश्विन ने 1 और हुडा को 1 विकेट मिला। वहीं विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 61 गेंद पर 122 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इसके साथ ही उनका 3 साल का शतक का सूखा खत्म हुआ। वह अब 71 सेंचुरी के साथ ज्वाइंट सेकंड मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने 122 रन बनाते ही प्रमुख रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पहला, यह उनका पहला T20 शतक था। दूसरा, वो T20 में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। तीसरा, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 24,000 रन पूरे हो गए। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 छक्के पूरे हो गए। पाँचवा, उन्होंने T20 में 3500 रन पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। छठा, एशिया कप में ODI और T20 दोनों फॉर्मेट में सेंचुरी जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। सातवां, एशिया कप में 6 बार मैन ऑफ द मैच बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उनके शतक मारते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। क्रिकेट फैंस के साथ सभी देश के प्लेयर ने भी कोहली को कॉन्ग्रेचुलेट किया, जिसमें एबी डिविलियर्स ने सबसे खास ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि डांसिंग अगेन, व्हाट अ लवली साइट। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा था, जब मैंने कल उससे बात की थी तो लग रहा था कि कुछ होने वाला है। वहीं सब के लिए कोहली ने ट्वीट किया, सभी को थैंक्स बोला। साथ ही मैन ऑफ द मैच लेते वक्त उन्होंने इस शतक अनुष्का और अपनी बेटी वामिका को डेडिकेट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुष्का मेरे टॉप टाइम में मेरे साथ खड़ी थी और आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ उसी के बदौलत हूँ। साथ ही उन्होंने अपने फॉर्म पर कहा कि लोग मेरे 60s को फेलियर समझ रहे थे। लोग बोल रहे थे कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, वो गलती कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे कुछ नहीं लगा कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। वही मैच खत्म होने के बाद रोहित ने कोहली की इंटरव्यू ली, जिसमें कोहली ने कहा कि मैं ज़्यादा छक्के नहीं मार सकता, हाँ सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से मैं खेल सकता हूँ, मैं गैप ढूंढने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस इनिंग से खुद सरप्राइज हूँ, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका ये शतक T20 में आएगा। साथ ही रोहित ने कोहली से कहा कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ योर इज वर्क एथिक। साथ ही उन्होंने कहा कि होपफुली द टॉस विल नॉट प्ले अ फैक्टर इन द T20 वर्ल्ड कप, और दोनों हंसने लगे। वहीं विराट कोहली को ओपनिंग को लेकर पूछे जाने पर केल ने हंसते हुए कहा कि फिर मैं क्या करूँगा, बाहर बेंच पर बैठ जाऊँ। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अपना रोल पता है, वो नंबर 3 पर आकर भी सेंचुरी मार सकते हैं। आपको क्या लगता है, विराट को ओपन करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।